आप खाएंगे बकरी की तरह, सूखेंगे लकड़ी की तरह। हमारे शरीर में भी वसा की जरूरत है, बहुत सारी विटामिन है जो वसा में ही घुलते हैं। खाइले से थोड़ी हो जाता है, पहुंचेगा किस में? वसा में। आर्मी वगैरह को देखिएगा ना, जब हम दौड़ते हैं तो वसा में क्या होता है ना कि एनर्जी खत्म हो जाती है हम लोग की, खाए रहेंगे वो एनर्जी खत्म, तो एनर्जी स्टोर किस रूप में होगी? वसा। अब उसके बाद दौड़िएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा, दुनिया भर का काम कीजिएगा, तो वसा क्या होगा? पिघलेगा। वसा क्या हो जाएगा? पिघलेगा। और वही वसा पिघलने के बाद क्या होगा? आप दुबले होने लगेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा फिट रहिएगा। यहाँ पे आर्मी वगैरह को देखिएगा ना, डेली सुबह दौड़ाएगा, डेली यानी दिन भर खिलाएगा खूब बढ़िया, और सुबह दौड़ा के खत्म कर देगा। ठीक, स्टोर करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा। तुम खाना आर्मी में, अगर आप लोग आर्मी में अब नहीं मान के चलिए, स्टूडेंट लाइफ में आर्मी नहीं तो एनसीसी तो देखे ही होंगे, तो आप में जो लोग एनसीसी किए होंगे, कितने लोग किए हैं कैंप, कितने लोग किए हैं एनसीसी ने कैंप, एनसीसी कैंप, तो जो कैंप किए होंगे लोग, उन लोग को आइडिया होगा कैंप में क्या खाना देता है। मतलब 10 दिन का कैंप में 10वें दिन अच्छा नहीं मिलेगा, जिस दिन कर्नल साहब आएंगे ना, सीओ साहब, उस दिन 2 थाली में खाना मिलता है, इतना ज्यादा वैरायटी बनाते हैं। और चाहे जितना खिलाए सब, सुबह शाम निकाल देता है उससे ज्यादा, इतना दौड़ाएगा सर, ट्रक में अपने बैठ जाएगा, लो दौड़ो। हम लोग एक बार गलती कर दिए थे कोई, तो पनिशमेंट मिला था, तो हम लोग के एक सर थे, कहते कि जाओ, किसी को बोलते थे वो अल्लाह घर छू के आओ, तो उनके मन में आया ना, तो बैल टहल रहा था थोड़े दूरी पर, 2-3 किलोमीटर दूर, कहे कि उसको छू के आओ। और उन्होंने दिमाग ही नहीं काम किया कि जो 600 लड़कुआ दौड़ेगा सर, तो बैलवा वहां रहेगा और दौड़ने का तो दौड़ गए। अब थोड़ी देर बाद उनको याद आया कि बैल छूने को बोल दिए, तो बोल रहे कि आओ आप कौन चीज, दौड़ा दिए लोग। और जब बैल के पास पहुंचे ना, तो बैल देखा तो डर गया, उसको लगा ना हम लोग उसको किडनैप करने आए, बैला भाग गया हम लोग उसको दौड़ा दिए। पूरा रास्ता में कई आदमी का खेत वो तो बर्बाद हो गया था। तो आप चाहे जितना खाइए, अगर आप खर्च कर देते हैं तो फैट नहीं बनेगा। फैट शरीर के लिए जरूरी है या नहीं है? बहुत जरूरी है। देखिए, केवल मोटा होने के लिए फैट नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे विटामिन है ना जो वसा में ही घुल के काम कर सकते हैं। जैसे आपके घर में अगर वसा नहीं है किचन में, तो आप पराठा बना लीजिएगा, नहीं बना पाइएगा। आप वसा घी में बनाइए, डालडा में बनाइए, नहीं मिल रहा है तो तेल में बने, तेल तो एकदम नीचे कैटेगरी का वसा हो गया, सबसे ए ग्रेड का घी, और लो लेवल का क्या हो गया तेल। लेकिन वसा चाहिए ना। अगर सपोज कीजिए आपके किचन से वसा गायब हुआ, आप ऐसे बहुत सारे खाने पीने के आइटम्स हैं जो आप बना ही नहीं पाइएगा, जो फ्राई होने वाली चीज़ें। उसी तरह हमारे शरीर में भी वसा की ज़रूरत है, इसलिए नहीं कि मोटा होने के लिए, तो एक्स्ट्रा वसा हो जाता है तब आदमी मोटा हो जाता है। बहुत सारी विटामिन है जो वसा में ही घुलते हैं, जैसे विटामिन ए, वो जब भी घुलेगा किस में घुलेगा? वसा में ही घुलेगा। डी, वसा में ही घुलेगा। ई, वसा में ही होगा। अब आप अंकुरित चना खाते हैं और कहते हैं मोटाइए नहीं रहे, अरे तुम्हारे में पहले से वसा की कमी है। अंकुरित चना में विटामिन ई होता है, वो खाइले से थोड़ी हो जाता है, पचेगा किस में? वसा में। वसा है ये नहीं है, तो खाते जाओगे पचबे नहीं करेगा, तुम रहोगे दुबर का दुबर। और तनी सा कोनो मीडियम मोट है वो खाएगा, उसमें वसा है ये, खाया और धकाधक पचा दिया, खाएगा धकाधक मोटाएगा। समझ आ गया कि नहीं? आप खाएंगे बकरी की तरह, सूखेंगे लकड़ी की तरह, धस जाएंगे आप। तो वसा शरीर में जरूरी है। वसा समझ में आ गया?